हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। धार्मिक स्थलों पर हमले और हेट स्पीच को रोकने के लिए उठाए कदम, कनाडा को भारत ने दिया सुझाव। खबर है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक में कनाडा से धार्मिक स्थलों पर हमलों और हेट स्पीच को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश की है। भारत ने कहा कि कनाडा अभिव्यक्ति की आज़ादी के दुरुपयोग, खासकर हिंसा भड़काने को रोकने के लिए कानून मजबूत करे और चरम पंथ को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियाँ रोके। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 10 करोड़ से अधिक परिवार होंगे आमंत्रित। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर VHP 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए देश विदेश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को आमंत्रित करेगी। VHP के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि कार्यक्रम विश्व भर में 5 लाख से अधिक मंदिरों में प्रसारित होगा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा, हमास ने गाजा पर खो दिया है नियंत्रण। AFP के अनुसार इसराइल के रक्षा मंत्री युवान गैलेंट का दावा है कि हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं, हमास के ठिकानों को लोग लूट रहे हैं, उन्हें अब सरकार पर भरोसा नहीं है। हमास ने पिछले महीने ही इसराइल पर हमला किया था जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। ऋषि सुनक को PM पद से हटाने की हो रही है तैयारी। स्वेला ब्रेवरमैन को होम मिनिस्टर पद से हटाने के बाद ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक अपनी ही पार्टी के सांसदों के निशाने पर हैं। अब उन्हें पद से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद एंड्रिया जेनकिंस ने स्पेशल रूल कमेटी 1922 के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रैडी को पत्र लिखकर सुनक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अगर पार्टी के 15% MP प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो उन्हें यानी सुनक को पद छोड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने दिया आइडिया, 3 महीने में ही पूरी हो जाएगी जनगणना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता बिहार की तर्ज पर देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने आइडिया दिया है। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड की उपलब्धता के कारण जाति जनगणना 3 महीने में पूरी की जा सकती है। देश में सभी के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, ऐसे में जनगणना कराने में समय क्यों लगेगा। दिल्ली में 31 जनवरी तक दोगुना हुई पार्किंग फीस। बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का फैसला किया है। निगम ने निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी की है। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP का चौथा चरण लागू होने के बाद ये फैसला लिया है। पार्किंग शुल्क ऑफ रोड या ऑन रोड को मौजूदा दर से दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आई है बड़ी खबर। बिहार के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनने का बड़ा अवसर है। शिक्षा विभाग जल्द ही इसके लिए 11,334 पदों पर प्रधानाध्यापकों की भर्ती करने जा रहा है। BPSC इसे लेकर जल्द ही विज्ञापन भी जारी करेगी। इस नियुक्ति के बाद सरकारी स्कूलों को स्थायी प्रधानाध्यापक मिल सकेंगे। अभी अधिकांश स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के जरिए काम चलाया जा रहा है। 8 साल अनुभव वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।